अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद एमजेड में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज सुबह टीवी के ऊपर न्यूज़ देखी थी कि इकरा यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं और पीटीआई के रहनुमा भी हुनैद लखानी साहब, उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र और जमील अता करे। दोस्तों, 2020 से 2021 के अंदर मैंने हुनैद लखानी साहब से एक इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के दौरान मुझे वो बहुत ही अच्छे और नफीस इंसान लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज के व्लॉग में उनके साथ जो मैंने इंटरव्यू किया था उसके कुछ क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत से लोग हुनैद लखानी साहब को जानते हैं और जो नहीं जानते होंगे वो ये इंटरव्यू देख लें, उनको वो पहचान जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हुनैद लखानी साहब ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था। हुनैद लखानी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कुछ सालों पहले आपने एक AMI के नाम से, एशियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से एक पौधा लगाया था जो आज माशाल्लाह से इकरा यूनिवर्सिटी की शक्ल में एक तनावर दरख इख्तियार कर चुका है, बन चुका है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। 1998 में AMI बनाया था, ईयर 2000 में इसका चार्टर हुआ, यूनिवर्सिटी बनी, फिर एक के बाद दूसरी इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, लाहौर, कराची। अच्छा, इकरा का नाम जो है ये किसने तजवीज़ किया था? मैं समझता हूँ बहुत खुश नसीबी थी मेरी कि ये नाम अवेलेबल था। इस्लामी दुनिया के अंदर इकरा का नाम जो है वो बिल्कुल तालीम के साथ जाता है। जब भी कोई स्कूल या उसका जिक्र आता है तो लोग इकरा बेस में रब्बिकल लज़ी खलक की आयत आती है, लेकिन किसी ने इकरा के नाम से यूनिवर्सिटी नहीं बनाई थी। तो आई वॉज लकी जब मैंने ये नाम उनको सजेस्ट किया और ये नाम अवेलेबल था। अच्छा, ये बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर दो तालीम के निज़ाम है, एक वो जो गवर्नमेंट फराम करती है जो फ्री एजुकेशन के हवाले से हम जानते हैं, दूसरा वो जो प्राइवेट सेक्टर जो है आवाम को देती है। तो आप नहीं समझते दोनों तफरीक जो बनी हुई ख़त्म होनी चाहिए और एक मुल्क के अंदर तालीम का निज़ाम होना चाहिए? देखिए, दो निज़ाम है नहीं, एक निज़ाम तो वो है जिसमें हमने अपनी आँखों पे जो है वो पट्टी बांधी हुई है और हम धोखे में अपने आप को रखा हुआ है कि उधर कोई तालीम दी जा रही है। हुकूमत के निज़ाम में प्राइमरी में ग्रेड 5 तक का जो बच्चा है वो एक सेंटेंस लिख नहीं सकता। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सबको पता है, कोई डिग्रियाँ बेचने में लगा हुआ है, कोई वाइस चांसलर्स की भर्तियाँ पॉलिटिकल उस पर होती हैं, अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल होती हैं, इंक्रीमेंट्स होते हैं, कोई HR पॉलिसी नहीं है, कोई टीचिंग मेथडोलॉजी नहीं है, कोई टेक होम वैल्यूज़ नहीं है, उसके अंदर असेसमेंट नहीं है, तो वो तो है नहीं। अगर एक ही निज़ाम तालीम कहें तो ये बात ठीक होगी। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें दो किस्में हैं, एक फॉर प्रॉफिट है और एक नॉन प्रॉफिट है। कि अपनी निजी ज़िंदगी के हवाले से भी कुछ बताइए आप, कि आप कहाँ पैदा हुए थे, बहन भाइयों में आपका नंबर कौन सा है और एजुकेशन कहाँ से आपने कंप्लीट की है? जी, हम 5 बहन भाई हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ। कराची में पैदा हुआ, शुरू में मुझे तो अब याद नहीं है, लेकिन जो देखिए जगह पापोश में एक घर में हम लोग रहते थे, मैं वहाँ पर पैदा हुआ और उसके बाद फिर नाजमाबाद में रिहाइश रही फॉर मैनी ईयर्स, फिर गुलशन इकबाल में ब्लॉक 5 में रहे। सो बचपन मेरा जो है वो जो मुझे याद है वो गुलशन इकबाल का है, जब यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर भी लोग क्रिकेट खेलते थे, जब सर सैयद कॉलेज नहीं होता था वहाँ पे जुमा बाज़ार लगता था, इतवार बाज़ार लगता था, तो वहीं पे मेरा घर था। अच्छा, ये बताइएगा कि बचपन में कैसी तबीयत के मालिक थे आप, शरारती बच्चे थे या बिल्कुल मासूम बच्चे थे आप? मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर शरारत की कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं, हमारी स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा होती थी। BVS पारसी स्कूल, मिस मिस्त्री जो हैं बहुत मशहूर हैं, आज भी लोग उनको नाम से जानते हैं पूरे शहर में, तो वो इतनी स्ट्रिक्ट थी कि उस स्कूल में शरारतें ज़्यादा हो नहीं सकती, फिर भी हम कर लेते थे थोड़ी बहुत मस्तियाँ। ये बताइएगा कि कौन कौन से ममालिक जो हैं वो आप घूम चुके हैं और सबसे ज़्यादा मुल्क आपको कौन सा पसंद आया? मैं घूमा बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा घुमा हूँ यूरोप में। मैं जब मैं कॉलेज में था लंदन में, तो वो ज़माने में नया नया टनल बना, तो गाड़ी ली और ड्राइव पे निकल गए पूरा यूरोप, वहाँ से पेरिस, पेरिस से जो है साउथ ऑफ फ्रांस, नीस, कैंस, मोंटी कार्लो, फिर इटली, फिर स्पेन, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर जर्मनी, फिर चेकोस्लोवाकिया, फिर ग्रीस। सो यूरोप के तकरीबन सारे के सारे शहर जो हैं वो देखे हुए, बहुत टाइम स्पेंड किया। अच्छा, उन्हें तो हम बात करें तो जिस शोबे में भी आप गए उसके अंदर आपने एक अपना नुमाया मकाम बनाया, गालिबा आपका जो फैमिली बिजनेस था वो शायद कंस्ट्रक्शन का था, आप एजुकेशन में भी आए, फिर आपने एक मुहिम भी शुरू करी। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इमरान खान की कौन सी ऐसी बात ने आपसे आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया जो आप PTI में आपने शमूलियत इख्तियार की? देखिए, खान साहब जो हैं वो एक सच्चे और ईमानदार लीडर हैं, इस बात पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए,
कोई उनके ट्रैक रिकॉर्ड में कोई ऐसी करप्शन, कोई ऐसा पास्ट रिकॉर्ड नहीं है जहां पे उन्होंने कोई अपनी मफाद के लिए कोई काम किया हो। अच्छा, मसरूफियात के बाद आप फैमिली को टाइम दे पाते हैं? फैमिली कभी शिकवा तो नहीं करती आपसे कि आप बहुत बिजी रहते हैं, टाइम नहीं देते उनको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। मैं बैलेंस के अंदर रह के सारी चीज़ें करता हूँ और बहुत सारा टाइम मैं अपने लिए निकालता हूँ। आप सरबरा बैतुलमाल सिंध भी हैं, लेकिन इस महकमे के बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो आप ये बता सकते हैं कि इस महकमे के फ़राइज़ क्या हैं, और अगर कोई भी ज़रूरतमंद या मुस्तहक अफराद इस इदारे से रुजू करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, और बैतुलमाल का इदारा जो है सिंध का, खासकर हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसे उनकी मदद करता है? देखिए, बैतुलमाल तो शुरू से ही पाकिस्तान के अंदर, क्या बल्कि इस्लामी दुनिया में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से है, और इसका मकसद ये था कि जिस आदमी को ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत पूरी की जाए। पाकिस्तान में बैतुलमाल जो है इसमें अक्सर लोग समझते हैं कि ज़कात के पैसे आते हैं, और ज़कात का बैतुलमाल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग इदारा है। बैतुलमाल एक अलग इदारा है, इधर बजटेड अमाउंट आती है और वो किसी भी आदमी पे यूज हो सकती है। बताएं कि अगर पीटीआई की सिंध में हुकूमत आती है और आपको वज़ीर-आला बना दिया जाता है, वज़ीर-आला सिंध, तो आप सबसे पहले क्या इकदाम करेंगे? ओह, एक्सेलेंट क्वेश्चन। मेरे ख्याल में जो इमीडिएट मुझे जो बहुत ज्यादा जिस चीज से तकलीफ होती है वो ये कि इनकी पानी की तकसीम का सिस्टम जो है गलत है। कराची जो सिंध को 95% इनकम देता है उसको ये 5% भी पानी देते हुए कतराते हैं। तो पानी तो इंसानों को पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए चाहिए, तो पानी पे फोकस जो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म है लेकिन इमीडिएटली पूरे रिसोर्सेज लगा के करना ज़रूरी है। दूसरा मैं समझता हूँ जिसका इमीडिएट रिजल्ट है वो हमारी पुलिस है। सही, देखिए अगर पुलिस ठीक होगी ना तो हर चीज़ ठीक होगी। सो मैं पुलिसिंग के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर, ताकि इमीडिएट फौरन सस्ता इंसाफ लोगों को मिल जाए। अच्छा, अब हम कुछ शख्सियात के नाम जो है वो आपके सामने लेंगे, आपको सिर्फ एक लफ्ज में उन शख्सियात की शख्सियत के बारे में बताना है। पहला नाम है हमारा वजीर आजम इमरान खान साहब का, ऑनेस्ट। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। एक लफ्ज में जी, डिसऑनेस्ट, करप्ट। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ तो कहीं से नहीं है। अच्छा, मेयर कराची वसीम अख्तर। वसीम भाई लाचार हैं। अच्छा, जेडीसी के सरबरा जफर अब्बास साहब। अच्छा बोलते हैं। तो दोस्तों, ये था हुनैद लखानी साहब का इंटरव्यू, आप जो अभी देख रहे थे। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मैसेजेस अभी आ रहे हैं, जो न्यूज़ पे भी हमने देखा कि उनका इंतकाल जो है हुनैद लखानी साहब का, वो उनको डेंगू हो गया था। तो हम बस यही सब लोग, आवाम भी हुकूमत से मुतालबा करती है कि डेंगू के ऊपर ख़ास तौर पर कोई काबू पाया जाए, और सबसे पहले कराची के अंदर जो रोड ख़राब है, सेवरेज के मसाइल हैं, उनको फौरी तौर पर हल किया जाए, क्योंकि जितना गंदा पानी सड़कों पर जमा होता है, चाहे बारिश का पानी हो, सेवरेज का पानी हो, वैसे भी कोई पानी की लाइन अगर फट जाती है, पानी सड़कों पर जमा रहता है, तो उससे वैसे भी कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर यही चीज़ें अगर हुकूमत बेहतर कर ले, रोड सही कर ले, सेवरेज के मसाइल, पानी के मसाइल हल कर ले, तो आधी से ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो हल हो जाएंगी। पहले हम देखते थे कि गली मोहल्लों के अंदर मच्छर मार स्प्रे होता था, आजकल वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो लिहाजा पूरी आवाम जो है पाकिस्तान की, वो हुकूमत से मुतालबा करती है, अपील करती है कि लिहाजा फौरी तौर पर डेंगू की रोकथाम के लिए इकदाम करें। दोस्तों, ये था हमारा आज का ब्लॉग, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।